मान के चलो 500 550 किलोमीटर है, पर थोड़ी फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग ले रहे हैं एकदम बैठ रही है मैडम सोच में, आ बेटे यादव कोच में। हाँ जी गुड मॉर्निंग है जी, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज, मैं हूँ रुचिर। तो जी फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। मैंने बहुत दिन से बोल रखा था कि हमारा प्लान है, तो जी फाइनली आ चुका है वो दिन जब हम जा रहे हैं फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर। ठीक है जी, गाड़ी बैठ के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं और कितना टाइम लगने वाला है, बाकी जब तक सामान वामान रखते हैं गाड़ी में। ये सारा सामान तो ट्रेलर है, अभी तो इधर उधर सामान पूरा रखा हुआ है, बट अपने को क्या टेंशन नहीं है क्योंकि पूरा डाला है अपने पास। ये भी तैयार हो गई जी, क्या हाल चाल है, तैयारी पूरी है फिर। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं गाड़ी में बैठ के। हाँ जी, तो जी हम जा रहे हैं कोटा। कोटा यहाँ से दिल्ली से मतलब गुड़गांव से मान के चलो 500 550 किलोमीटर है, पर मैप्स अपने को दिखा रहे हैं 429 किलोमीटर हमारी लोकेशन से, और ETA जो है वो ऑलमोस्ट 6 घंटे का है। तो इवन इफ अगर हम रुके भी थोड़ा बहुत बीच में तो मान लो के 7 घंटे। अब इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है इस रूट पे कि क्योंकि दिल्ली जयपुर वाला जो दौसा वाला नया एक्सप्रेस वे बना है उससे ना जयपुर का क्योंकि ETA कम हुआ, 5 घंटे पहले लगते थे, तो हमें पहले कोटा से क्या है दिल्ली से कोटा 9-10 घंटे का रन होता था, लेकिन अभी ना ये वाला हाईवे बनने से 6 घंटे का सिर्फ रन रह गया। तो मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ चुका है उस चीज से। तो बट मौसम भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इस हाईवे पे वैसे बारिश भी हो रही थी, बहुत तेज बारिश। हम एडिटिंग कर रहे थे ना व्लॉग की, इसलिए पता है बहुत लेट पैकिंग करके सुबह लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और हाईवे के लायक ही है। हाईवे के लायक है एक्चुअली, वो बचपन वाली फीलिंग याद आ गई कि जब बस, लेकिन ये कि वो ये हाईवे अगर मुरथल वाला होता था फिर तो बचपन वाली ना फीलिंग याद आ गई कि जब भी सैटरडे संडे को बारिश वाला मौसम हुआ करता था मम्मी आप और मैं निकल जाते थे हाईवे पे। और नया वाला एक्सप्रेस हाईवे बना है मुंबई वडोदरा वाला, इसपे अभी ये है ना कि खाने पीने के साथ ईटिंग जॉइंट्स इतने नहीं है ना, और बिकॉज़ एक्चुअली क्या है ना हम लोग उस हाईवे पे मतलब यूज तो कर चुके हैं वो वाला हाईवे, पहले भी हम कहीं गए थे, और है ना मतलब वहाँ पे हम क्योंकि रात को निकले थे अराउंड 11-12 बजे निकले थे, तो मतलब इतना कुछ हमें वहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन दिन के टाइम वापस जब आ रहे थे तो इतना कुछ वहाँ पे खास है नहीं। और अभी हमने लव भाई की वीडियो भी देखी थी, उसमें भी उनका गलत एक्सपीरियंस रहा, तो और इवन हमने भी वहाँ से खाया था और नूडल्स आई थिंक लिए थे, वो भी कुछ खास नहीं थे, सर्विस वहाँ की अच्छी नहीं थी, तो खाने पीने के हिसाब से उसमें मजा नहीं है। हाँ हाँ धीरे धीरे सेट होगा, हाँ नाश्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर से खाएंगे। ठीक है, कुछ कचौड़ी वगैरह या जो भी प्याज की होती है वहाँ पे, तो वो आपको दिखाते हैं। चलो निकलते हैं फटाफट, लग रहा है ना कुछ नया नया। तो कर दिया है फाइनली हमने सेटअप टैप का, तो अब क्या है मैप्स वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, इसमें हम सुनेंगे अपने गाने और कॉल्स कनेक्टिविटी रहेगी इसके साथ, ये ओनली फॉर नेविगेशन एंड ऑल्सो कैन बी यूज फॉर वीडियोज, है ना जी। ये भाई साहब देखो कैसे मजे से गाड़ी के बाहर एंजॉय कर रहे हैं, मुंह निकाल के अंदर चले गए। एक नहीं है दो है, एक तो अंदर चला गया ये रहा और दूसरा देखो ये भाई साहब, मौसम तो ऐसा है ना एकदम मजेदार वाला, बहुत मजेदार। ऐसे मौसम में मन करता है कि हाईवे पे ड्राइव करो, नहीं तो धूप होती है ना तो वो मजा नहीं आता, ये चार चांद लगा देता है मौसम। तो जी आ गया अपना एक्सप्रेसवे का कट भी इसी के साथ, मुंबई वडोदरा दिल्ली कोटा एक्सप्रेसवे जो मर्जी कह लो, अभी तो खैर दौसा तक ही बना है ये, बट ये पूरा बन जाएगा तो सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। हाँ वन साइड 4 लेन है तो 8 लेन हो गया, बहुत सही बना हुआ है और रात में भी सुंदर लगता है क्योंकि वो जो लाइट है जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, टर्निंग्स पे बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है ना, हाईलाइट होता है राइट, अपन रात को ज्यादा मजा आता है मुझे लगता है, लाइट्स दिखती है थोड़ी सी। चलो टेक ऑफ करते हैं जी, स्पीड अपनी लिमिट यहाँ पे 120 की है, हम उसी को फॉलो करेंगे, ऑल्दो यहाँ पे स्पीड कैमराज एक्टिव नहीं है बट हम फिर भी अपनी स्पीड लिमिट में रहेंगे। यात्रीगण अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दे।
भाई ये तो पूरे कुर्सी की पेटी बांध ली है पीछे भी। मैं इतना बुरा चलाता हूँ क्या? बट अच्छा है। अरे नहीं नहीं पहनना अच्छा होता है, पता है सेफ्टी कंसर्न है। सही है, कंपनी देती है गाड़ियों में, लोग लगाते नहीं है। तो जी वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे ऑफिशियली। ये देखो इलेक्ट्रिक बस न्यूगो जो मैंने आपको देहरादून वाले रास्ते पे दिखाई थी वो अब गुड़गांव टू आगरा भी जा रही है। तो अब बेसिकली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ईवी इज एवरीवेयर नाउ। क्रिएटिविटी की ना कोई हद छोड़ी नहीं है। ये ऊपर जो इसका रूफ है वो इतना बढ़िया है दिखने पे, इंस्टेंट गुड। ये जितने है ना छोटे छोटे जो आपको पौधे टाइप दिख रहे हैं ये बेसिकली वही वाले पेड़ हैं जो हमारी सोसाइटी में लगे हैं जिनमें वाइट फूल आते हैं। तो कुछ टाइम में ना ये पूरे यहाँ पे बड़े से हो जाएंगे और मेरे ख्याल से और सुंदर लगेगा ये हाईवे। तो है ना गाड़ी थोड़ी सी हमने लगा दी है यहाँ पर, थोड़ी फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। इतना सुंदर लग रहा है ना ये व्यू, और यार मतलब ग्रीनरी बादल क्या ही बोलूं मैं, नज़ारे आ गए आज तो जी, मज़ा आ गया। गड्डी के चालक जो ने बदल चुके हैं, फादर साहब चला रहे हैं जी। हाँ हेलो कह दो सारे। यहाँ चल रहे हैं जी पिकनिक, चल रहे हैं चिपस पिकनिक चिपस। मम्मी सुंदरकांड का पार्ट एज यूजुअल। ये लोग तो पीछे पूरा अपना घर भर बना के बैठे हैं, घर घर खेल रहे हैं पीछे। तो है ना यही होता है, मतलब फैमिली के साथ जब ट्रिप करते हो ना आप तो एक तरह से चलता फिरता घर ही हो जाता है वो, और बनाना भी चाहिए क्योंकि आपकी ईज जो होती है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब लोग की रिक्वायरमेंट है वो अपने पास है तो क्या सब लोग कम्फर्टेबल सा फील कर लेते हैं। इसी के साथ बारिश बड़ी तेज स्टार्ट हुई है, दिखाता हूँ आप। हेलो जी मी पे आ गया, रस्ते च मी पै गया, फादर साहब ने गड्डी का हाथ ली तो मी पै गया भाई। रास्ता सेम होता है, धूप होती है तो मजा नहीं आता, लेकिन रास्ता सेम है बारिश है ना सब अचीव कर लिया आपने, अ सक्सेसफुल ट्रिप। पर आप ये सोच भी रहे थे ना कि मतलब लेट निकलेंगे तो धूप होएगी तो मजा नहीं आएगा। हाँ तो ठंडे ठंडे टाइम निकल जाते हैं सुबह 5-6 बजे। अब जी बारिश तो आ गई, मौसम भी बढ़िया हो चुका है, पहाड़ भी है, रोड भी अच्छी है, कमी सिर्फ एक चीज की है मूर्थल वाले पराठों की। भाई अगर वो पराठे मिले ना तंदूरी वाले, तंदूरी पराठे आलू प्याज के या गोभी के पनीर के जिसको जो खाने हैं मतलब, तो हम लोग वही अभी बात कर रहे हैं कि पराठे अगर मिल जाएंगे ना तो काम अपना फिट एकदम बढ़िया मामला हो जाएगा जी। एंड नॉट टू फॉरगेट विद सफेद मक्खन। An example of teamwork. कितना अच्छे से दिख रहा है पीछे वाली सीट पे। नेल पॉलिश की डिब्बी पकड़ी हुई है और नेल पॉलिश लग रही है जी, नेल पेंट बोलो कोई नहीं, नेल पॉलिश नहीं बोलनी भाई साहब, नेल पॉलिश क्या है पहले लगाते थे, अब नेल पेंट होता है ना भाई, नेल पेंट देखा। अपने लिए तो एक ही चीज है जी। वही सीन देख लो, पापा चला रहे हैं, मम्मी साथ बैठ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग ले रहे हैं एकदम बैठ के आगे, दोनों साथ में, हम दोनों पीछे बैठे हैं। ये देखो जी एकदम लाल सूट पहन के निकल गए हैं डेट पे, बच्चों को लेके साथ में, बच्चों को साथ में लेके। भाई मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे पापा
बदला लेने के लिए गाड़ी चला रहे हैं और मेरे को पीछे ऐसे बोल के बिठा दिया कि तू पीछे भी बैठ के थोड़ा मजा ले, कभी एक्सपीरियंस कर पीछे भी बैठ के कैसा लगता है गाड़ी में, नहीं तो हमेशा ड्राइवर की तरह ड्राइव ही करता रहता है, है ना। पहले मुझे इस सीट पे बिठाया जहाँ मम्मी बैठी है, फिर अब पीछे बिठा दिया और भाई साहब फुल गाड़ी खींच रहे हैं 120-130 और पहले अलर्ट कर देते हैं अब आप लोग उछलोगे। मतलब ये नहीं कि आगे जो खड्डा खुड्डा आ रहा है थोड़ा बंदा स्पीड धीरे कर ले, ना कि पहली कि अब आप उछलोगे हर खड्डे से पहले। पापा जैसे ही अलर्ट करते हैं ना अब थोड़ा सा उछलना है तो मैं एकदम स्ट्रेट होकर बैठ जाती हूं। और मतलब मैं तो पीछे उछल ही रहा हूं। खैर मतलब तू उछल रहा है ना, अब तुझे समझ आई ना जब तू गाड़ी चलाता है, मैं तुझे हमेशा कहती हूं उछल आराम से चला, उछल रही हूं। नहीं कंफर्ट की बात अलग है पर ये जो पापा भी हाँ कि अब आप उछलोगे। अब भाई मम्मी का ये है कि तुमने मेरे को ना पराठे और पनीर की भुर्जी बना के लानी दी नहीं, क्योंकि मेरा ये होता है कि भैया मत बनाओ कुछ बाहर से खाएंगे। अरे वो ठीक है पर यार वो रोंटी में जब वो पनीर की भुर्जी रोल करके खाने का ना रस्ते में मजा ही। वैसे ना चलो मैं कहता हूँ आप सब लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना कि हाईवे पे व्हाट डू यू प्रेफर, कि बाहर का खाना या घर से पैक करके लेके जाना। पता है वो पनीर घर में छोड़ कर आई उछाल दिया दोबारा लेके जाती थी और साथ में टी बैग्स और कॉफी रख लेते थे, पापा को कॉफी पीनी होती थी कॉफी ले लेते थे और हम चाय बना लेते थे, तो वो सारा सामान ना पूरे घर में, एक मिनी किचन भी थी हमारी गाड़ी के अंदर ऑलवेज होती थी। पर अब तुम बड़े हो गए हो ना, अब तुम मुझे थोड़ा सा ना वो करते हो कि नहीं। तो आई एम बैक ऑन द ड्राइविंग सीट अगेन विद साक्षी एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एट द बैक। अब जयपुर स्पाइंग ऑन अस। ये जयपुर का आ गया जी कट, अब चलते हैं क्योंकि हमें जयपुर में एंट्री लेनी है, नाश्ता वास्ता करना है। यहाँ से पूरा जो है राउंड घूम के और फिर नीचे। तो जी अपने आगे एक और इसुजू चल रही है रेड कलर में, ये फरीदाबाद की है, वैसे तो बढ़िया लग रही है एक के पीछे एक इसुजू। तो जी एक्सप्रेस वे से हमने जयपुर के लिए टर्न लिया था और उसके बाद हम अब इस NH-21 पे आ गए हैं। ये भी हाईवे बहुत बढ़िया है, नज़ारे बढ़िया हैं, रोड अच्छी है। ये देखो रोड एकदम ऊपर जा रही है और सामने एकदम पहाड़, बहुत सुंदर। बस अब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी धूप आ गई है तो मुझे लगता है ये टेम्परेरी है क्योंकि बादल तो है ही आसमान में, तो जितना आगे अभी जाएंगे और मौसम चेंज होता जाएगा। ट्रेन की पटरी भी अपने साथ है एकदम पंसखो गांव मतलब सॉरी बंसको स्टेशन। ये ट्रेन आ जाए तो रेस लगाएंगे साथ में, यार बढ़िया स्टेशन है यार छोटा सा पंसखो। ये क्या है भाई, टोल के स्टार्टिंग में रखा हुआ है खाली एकदम, किसी ने ज्यादा वेट कर लिया लगता है यहाँ पे। तो जी प्लान में ना थोड़ी तब्दीली आ गई है। एक्चुअली जयपुर के लिए हमने कट तो लिया था लेकिन बहुत टाइम लग रहा था यार, ट्रैफिक भी, और एक तो क्या होता है ना कि वैसे वाले एक्सप्रेस वे से आप ड्राइव करके स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे आ जाओ, नॉर्मल जो आप पुराने वाले हैं उसमें ट्रैफिक की मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है और फिर है ना सारी फील खत्म हो जाती है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, अराउंड 2 घंटे करीब लग रहे थे जयपुर पहुँचने में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यार नहीं अगेन रीरूट करते हैं कोटा की तरफ और नाश्ते का कुछ देख लेंगे रास्ते में। अब तो नाश्ते आ गए, अब तो 12 बज गए तो अब तो अपना ब्रंच ही होगा एक तरह से। ये देखो डोंगी का छोटा सा बच्चा, बड़ा क्यूट लग रहा है यार, बट वही है यार सामान दो रखते हैं ना अच्छा लगता देख के। ये देखो कितना प्यारा है, बेचारों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब सीन देखो मतलब बेड पूरा ही घर बना रखा है भाई साहब, पूरा घर बना
फेस्टिवल ऑब्वियसली है, रात को इतना लेट सोया ना। हां कैसे चढ़ के यार अपना खाना खा रही है ये, भाई साहब गजब ग्रिप होती है इन लोगों की। अब आ चुके हैं जयपुर कोटा रोड पे, तो अब दिखा रहे हैं अपने को 3 घंटे, डिस्टेंस इज 220 किलोमीटर। तो जी किसी भी ढाबे पे जाओ, सबसे पहले जो आता है ना वो आता है बेस्ट चीज, फ्रेश सैलड। आ गए जी अपना फाइनली खाना, पनीर, शाही पनीर। यहाँ की ना थोड़ी प्रिपरेशन अलग होती है, अपने जैसे वहाँ होती है यहाँ पे वैसी प्रिपरेशन नहीं होती है। ये लहसुन की चटनी और ये दाल तड़का, भाई खाने का टेस्ट है ना बहुत ही बेसिक है, एकदम घर जैसा है। भले ही दाल हो, पनीर हो, चटनी तो खैर इनकी है ही स्पेशल, और तवे की रोटी। भाई खाने के बाद छाछ तो बनती है ना, खाना तो सबने खा लिया। भाई बिल पे करने का टाइम आया, एक एक करके जा रहे हैं। मम्मी भी कह रही है मेरे को हाथ धोने, मैंने कहा मेरे को वॉशरूम जाना है, बिल आप लोग पे करिएगा। और अपनी जो ट्रिप की अभी तक की एवरेज है वो है 11.7, क्योंकि हमारी जो स्पीड थी ना एक्सप्रेसवे पे वो अच्छी खासी थी। सो एवरेज स्पीड इसमें 70 दिखा रहा है, ये 70 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने बाद में डिटोर कर लिया था एक्सप्रेसवे से, तो इसीलिए। बाकी नहीं तो अपनी स्पीड जो थी ना वो टॉप ऑफ टॉप थी एकदम। अब धूप है ना फिर से आ गई है, तो मैंने कहा सनशेड जरा निकाल लिया जाए। अब भाई आज तक जो तस्वीर राजस्थान की दिखाई गई है इंडिया में कि सिर्फ रेगिस्तान है और कुछ है ही नहीं, है ना, कि पानी नहीं है, रेगिस्तान है, बस यही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, दिस इज राजस्थान, और ये इतना ग्रीन है, और यहाँ पे वो अभी पहाड़ भी आएंगे, अरावली रेंज ही है। सो डेजर्ट तो एक पार्ट है राजस्थान का, ऐसा नहीं है कि मतलब एंटायरली राजस्थान डेजर्ट है, डेजर्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ राजस्थान। बाकी बहुत कुछ है राजस्थान में अलग घूमने को, और आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने एक्सप्लोर कर भी रखा होगा। इस हाईवे पे आप जब भी चलो ना, जयपुर कोटा हाईवे पे, तो ध्यान रखना कि मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये गाय वगैरह जो ऐसे चल रही होती हैं यहाँ पे, कैटल्स, ओह माय गॉड, तो ये है ना रोड पे आ जाते हैं कभी कभी, और एक्सीडेंट फिर होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा टू व्हीलर्स वगैरह भी रहते हैं, तो थोड़ा सा वो भी रिस्क रहता है। तो ये वाले स्ट्रेच में ना ये प्रॉब्लम्स है, देखो ये रॉन्ग साइड जो आ रहा है टू व्हीलर पे, है ना, है हेडलाइट ऑन कर दो, काम बन जाता आपका, माफ है आपको। ये भाई साहब कह रहे हैं जैन साहब ब्लो हॉर्न, तो ओके सदेवा साहब, ठीक है जी, लो जी जियो और जीने दो। तो जी ये बनस रिवर, इसको क्रॉस करेंगे, फिर इसके बाद चंबल आएगी, है ना, फिर उसके बाद कोटा। ये देखो चंबल के बीहड़ों में बच्चे नहा रहे हैं, देखो नीचे सब बच्चों के मम्मी पापा भी नहा रहे हैं। हाँ ठीक है, पर यार बहुत सुंदर है यार, मतलब राजस्थान ना नाम का ही सिर्फ डेजर्ट हो गया, पानी अच्छा खासा होता है यहाँ पे। हाँ बारिश तो अच्छी खासी है, बाढ़ भी अच्छी खासी है, मतलब ऐसे ऐसे लोगों की न्यूज आती है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी बारिश नहीं देखी और वहाँ भी बारिश हो रही है। 80-80, 90-90, 80-80, 160, अच्छा 80-80 पंजाबी बोल दो आज, मम्मी से पंजाबी सब्जियों वाली साथ बोलती है, मैंने ये देखा है, और सब्जी है टमाटर अच्छी नहीं, मतलब पंजाबी बात कर रही है, दुकान वाले का सामने हद है भाई, हद है, सही है। हाँ हाँ आराम से क्रॉस करो भाई साहब, पार्क जो है ये हाईवे थोड़ी है, पार्क है। तो हमें जितना समझ में आया, खड़ी है मैडम सोच में, आ बेटे यादव कोच में। और अब आ रहा है मेन अट्रैक्शन टनल, ये देखो यार क्या मतलब,
अलग ही चीज है ये भी। बचपन में ऐसे करते थे ना सब। ये आ गया जी अपना बोर्ड, कोटा स्वागत करता है आप सभी का। कोटा ने तुम्हारा स्वागत तो आज से 30 साल पहले कर लिया था, मेरा 57 साल पहले कर लिया। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलो जी फाइनली पहुंच चुके हैं। तो जी एंट्री हो चुकी है कोटा में हमारी। अब आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाते हैं कोटा, घुमाते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। और बाकी मस्ती होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं कोटा के ऊपर, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, आप लोग करोगे स्किप, हमसे हो जाओगे बोर, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो वीडियो ठीक ठाक लग गई हो प्लीज गिव इट अ लाइक। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाकी कोई भी आपके सजेशंस फीडबैक्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कीप शेयरिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।